उस समय के लिए गॉडज़िला एक्स कॉन्ग से हटकर हम एक दूसरे मॉन्स्टर मूवी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द कर्स्ड। ये एक हॉरर मिस्ट्री फैंटेसी मूवी है जिसका अल्टरनेट टाइटल है 8 for Silver। मूवी की कहानी 19th सेंचुरी में एक छोटे से गांव में टेक्स प्लेस करती है। इस गांव में अचानक से एक सुपरनेचुरल खतरा मंडरा रहा है। एक पैथोलॉजिस्ट यानी कि रोग वैज्ञानिक इस खतरे की जांच करने के लिए शहर में आता है। तो वो इस खतरे का इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है और राक्षसों को कैसे भगाता है, इसी के बारे में यह मूवी है। तो दोस्तों, ये एक मॉन्स्टर मूवी है और मैं आपको इस मॉन्स्टर के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि मूवी देखने के लिए आपका इंटरेस्ट बन जाए। लेकिन अगर आपको इस मॉन्स्टर के बारे में नहीं जानना है, अगर आप इस चीज़ को सस्पेंस रखना चाहते हो, तो आप वीडियो को 10 सेकंड स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों, इस मूवी में आपको वेयरवुल्फ देखने को मिलता है जो काफ़ी खतरनाक है। वैसे इससे पहले भी हम सेम टाइटल की वेयरवुल्फ मूवी देख चुके हैं, डायरेक्टर वेस क्रेवन की कर्स्ड। वो मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो भी काफ़ी यूनिक थी। उसका इस मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत ही यूनिक मूवी है। ये एक काफ़ी अच्छी हॉरर मूवी है जिसका डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद आया। परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया है और बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। मॉन्स्टर को काफ़ी टाइम के लिए सस्पेंस में रखा गया है जिसकी वजह से आप ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हो कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर होगा। इस सब की वजह से आपको मूवी का फर्स्ट हाफ बेहतरीन लगता है और मूवी दिखने में भी बिल्कुल ब्यूटीफुल है। इसकी सिनेमाटोग्राफी इतनी परफेक्ट है कि मूवी आपको उस पुराने समय में लेकर जाती है। हालांकि शुरुआत में मूवी आपको उतना डराती नहीं है जितना डराना चाहिए था। और इसमें आपको 5-6 ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोग सपना देख रहे थे। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद आ सकती है और कुछ लोगों को शायद नहीं। मूवी का ड्रामा कुछ जगह पर एंगेजिंग है, लेकिन कुछ जगह पर उतना वर्क नहीं करता। मतलब कुछ जगह पर उन्हें कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखानी थी जिस पर वो ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, तो इसकी वजह से कुछ सीन्स थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही बढ़िया है। कुछ जगह पर मूवी आपको अच्छा खासा थ्रिल भी करती है और जंगल वाले सीन्स तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। कुछ जगह पर फॉग वाले सीन्स हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसके अलावा जंगल में एक राक्षस भी है जिसकी वजह से मूवी मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसमें आपको एक खतरनाक शिकारी भी देखने को मिलता है जो इस मॉन्स्टर को मारना चाहता है। तो दोस्तों, मूवी में आपको कुछ डरावने सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मूवी का सेकंड हाफ भी काफ़ी अच्छा है जहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इन सारी बातों की वजह से ये एक यूनिक मूवी बन जाती है जो दूसरे हॉरर मूवीज से काफ़ी अलग है। मूवी की एंडिंग कुछ खास नहीं है, मेरे ख्याल से वो और भी बेहतरीन हो सकती थी। इसमें आपको कुछ बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं। यह लगभग 1 घंटा और 50 मिनट की मूवी है जो कुछ जगह पर स्लो भी हो जाती है, लेकिन आपको कहीं पर भी बोर नहीं करती। हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई और इसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी है, तो इसे आप फैमिली के सामने नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से ये प्रो ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी और ओवरऑल भी ये एक डिसेंट मूवी है। अगर आपको कोई यूनिक हॉरर मूवी देखनी है तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 7 out of 10। इसके अलावा दोस्तों, मैंने ग्रेस द पोजिशन और हैचिंग मूवी का भी रिव्यू कर दिया है, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। 'Cause I've been living-